हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल बैक फ्रॉम द डेड में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके भी ऐप में प्रॉब्लम आ रही है कि वो वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका सोल्यूशन बताऊंगा आज की वीडियो में। तो टॉर ड्रॉइड ऐप है, वो वर्क नहीं कर रहा बहुत सारे डिवाइस में, तो इसका क्या कारण है वो सब बताऊँगा आज की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी डिवाइस की सेटिंग है इसको ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद हमें जाना है कनेक्शन एंड शेयरिंग वाले ऑप्शन पे। इस पर क्लिक जैसे आप करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ, तो इसको रीसेट कर देना है यहाँ से। तो इसको रीसेट करने के बाद यहाँ से बैक आना है और फिर से सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और ऐप्स वाले सेक्शन पर आ जाना है। तो जैसे यहाँ पर ऐप्स में आओगे आप, ऐप्स में आने के बाद जाना है मैनेज ऐप्स में। तो मैनेज ऐप्स में आने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें राइट साइड टॉप पे थ्री डॉट्स दिखेंगे, तो इन पे क्लिक कर देना है। जैसे इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रीसेट ऐप का ऑप्शन आएगा, तो इनको रीसेट कर दीजिएगा। रीसेट करने के बाद हमें क्या करना है, तो इनका पहले बैकअप ले लीजिएगा फिर कीजिएगा रीसेट। रीसेट करने के बाद एक और चीज़ है जिससे हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो हमें यहाँ से जो हमारे ऐप, जिस ऐप में हमें प्रॉब्लम आ रही है, उस ऐप को सिंपली यहाँ से ओपन कर लेना है, सर्च कर लेना है। तो एग्जांपल के लिए मैं बोप ऐप को अभी ओपन कर लेता हूँ। आपको जिस ऐप में प्रॉब्लम आ रही है आपको वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसकी स्टोरेज में आ जाना है। यहाँ पे स्टोरेज पे आ चुका हूँ मैं उसकी। तो जैसे स्टोरेज पे आता हूँ, स्टोरेज का क्लियर कैच कर दीजिएगा। स्टोरेज का क्लियर कैच करने के बाद हमें उसकी ऐप परमिशन पे आ जाना है। वो सारी परमिशन यहाँ से वन बाई करके एक बार पर सारी परमिशन ऑन कर देनी है। तो सारी परमिशन ऑन करने के बाद हमें आ जाना है अदर परमिशन पे। तो अदर परमिशन पे भी सारी परमिशन, 5-6 परमिशन होगी कुछ टोटल, तो उन सभी को इनेबल कर दीजिएगा। उनको इनेबल करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज का, तो हमें इसको सिंपली टर्न ऑन कर देना है। यहाँ से वाईफाई और मोबाइल डाटा होगा दोनों को इनेबल कर दीजिएगा। तो इन दोनों को इनेबल करने के बाद पहले तो ये शायद ऑफ होंगे, तो इनको ऑन कर दीजिएगा। अगर ऑलरेडी ऑन है तो 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए ऑफ कीजिएगा और 2 मिनट या 5 मिनट के बाद इसको टर्न ऑन कर दीजिएगा। ये सब करने के बाद एक बार क्लियर डिफ़ॉल्ट कीजिएगा और एक बार अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी।